ओके, अभी हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे। टर्म्स क्या है? पहला है कि टॉटोलॉजीज। टॉटोलॉजीज मतलब किसका प्लूरल है? टॉटोलॉजी का। ठीक है, टॉटोलॉजी क्या है कि जो यूनिवर्सली ट्रू है, मतलब कोई भी हालत में वो वाला जो ऑपरेशन होगा या फिर जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा के लिए ट्रू ही होगा। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पी यूनियन नेगेशन पी। ठीक है, पी यूनियन नेगेशन पी, ये हर हाल में ही पॉजिटिव मतलब ट्रू ही होगा। कैसे कि मान लो पी का क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, कि पी आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अच्छा, जब पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा? फॉल्स होगा। जब पी फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होगा? ट्रू होगा। तो जब हम लोग इसका ऑपरेशन लेंगे, ये वाला ऑपरेशन पी यूनियन नेगेशन पी, यूनियन का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, तो और मतलब पी ट्रू है और नेगेशन पी फॉल्स है, तो ये दोनों में हम लोग क्या लेंगे? और, क्योंकि यहाँ पे और है तो ये वाला ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स का और ट्रू। देन जब पी फॉल्स है नेगेशन पी ट्रू है तो क्या होगा? ये वाला भी ट्रू होगा, तो ये हमेशा के लिए ट्रू ही होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एक टॉटोलॉजी है। ठीक है, तो जो भी चीज़, जो भी ऑपरेशन या फिर जो भी स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू होता है उसको हम लोग टॉटोलॉजी कह सकते हैं। ओके, देन और एक क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है एक, वो है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उसका फाइनल वैल्यू हमेशा फॉल्स आता है। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी, ये वाला क्या ऑपरेशन है? ये वाला जो है वो है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब एंड। तो यहाँ पे हम लोग लिए पी एंड नेगेशन पी। ठीक है, पी का क्या हो सकता है पॉसिबल? ट्रू और फॉल्स। नेगेशन पी क्या हो सकता है? कि जब ये ट्रू हुआ ये फॉल्स होगा, जब ये फॉल्स हुआ ये ट्रू होगा। तो जब हम लोग ऑपरेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पी एंड नेगेशन पी। अच्छा, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स ही होगा, दोनों में से कोई भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे वैसे ही पी एंड ये फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये हमेशा फॉल्स ही होगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो इसको भी हम लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन मान सकते हैं। ओके, थैंक यू।